आज का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि एक चार्ट आपके पास है और जिस पर हमें चर्चा करनी है। तो पहले जरा हम सारी टाइप ऑफ कॉस्टिंग को पढ़ लें, फिर उस चार्ट पर आते हैं। तो हेडिंग डालेंगे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के मेथड्स, देखिए कॉस्टिंग के मेथड्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि मेथड का मतलब होता है कि जिस तरीके से हम कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। समरी तो मैंने आपको हालांकि एक बार स्टार्टिंग में ही लिखवा दी थी मेथड्स के नाम, बट हमें थोड़ा बहुत उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहला मेथड जो हम यूज करते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज जॉब कॉस्टिंग। ऑल्स हुआ, ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, और टर्मिनल कॉस्टिंग। इसके दो और नाम हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। मैंने आपको बताया भी था कि जो जॉब वर्क होते हैं वो स्पेशल नेचर ऑफ ऑर्डर होते हैं, कि आपको एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए ऑर्डर मिला और आपने उस कस्टमर के लिए क्या किया, उस काम को परफॉर्म किया, उसी को हम बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग या स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर दोज एंटिटीज वेयर वर्क इज डन, एक तो क्या लिखा, जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर दोज एंटिटीज वेयर वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन। ऑफ कस्टमर्स जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये मेथड उन इंडस्ट्री में यूज होगा जहां पर काम जो किया जाएगा वो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग या उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। जैसे देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं, मुझे बताइए
प्रिंटिंग के जो जॉब वर्क होते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे एक शादी का कार्ड छपवाना है और एक शादी का कार्ड किसी दूसरे को, तो क्या हमारे सिमिलर काम होंगे क्या या अलग अलग जॉब वर्क होगा? अलग अलग डिजाइन होंगी, अलग अलग कलर होंगे, प्रिंटिंग अलग होगी। तो प्रिंटिंग के जितने भी वर्क होते हैं वो सब जॉब कॉस्टिंग के एग्जाम्पल में आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग का वर्क अकॉर्डिंग टू क्या होगा, कस्टमर होगा। मान लानी है तो मैं उसको किस तरह से प्रिंट करवाऊंगा, ये मेरा एक स्पेसिफिक प्रीव्यू होगा। मैं जिस तरह का ऑर्डर दूंगा उसी तरह का वो जॉब वर्क परफॉर्म होगा। तो प्रिंटिंग के जितने भी जॉब वर्क हैं, ठीक है, वो प्रिंटिंग, अरे आप कहां न्यूज़पेपर पे पहुंच गए, जॉब वर्क, न्यूज़पेपर को जॉब वर्क थोड़ी मिल रहा है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट, क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर प्रिंट किए जाते हैं क्या? यानी आप कल को चाहोगे कि आपके अकॉर्डिंग कोई न्यूज़पेपर प्रिंट हो तो आप करवा सकते हो? फिर प्रिंटिंग जॉब वर्क का मतलब होता है जब एक कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पर कोई प्रिंटिंग वर्क हो रहा है तो वहां हम उसे बोलते हैं प्रिंटिंग जॉब वर्क। और देखिए इंटीरियर डेकोरेशन, बताइए ज्वेलरी डिजाइन, आप समझिए मैं जो ये लिख रहा हूं ना, ये कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पर ही काम होता है। एक पर्सन किस तरह की ज्वेलरी डिजाइन करवाएगा, दूसरा पर्सन क्या उसी तरह की लेगा? नहीं, पर्सन टू पर्सन ये जॉब वर्क होंगे, इसलिए यहां पर आपकी जॉब कॉस्टिंग लगती है। एडवर्टाइजमेंट, हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग अपना एड देगा, तो अगर एड का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो भी आपका क्या होगा, जॉब कॉस्टिंग का ही क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। फर्नीचर मेकिंग, अगर मान लीजिए मैंने कोई स्पेसिफिक फर्नीचर का ऑर्डर दिया है जो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा तो वहां पर वो काम जॉब वर्क के अंदर आएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है तो वो भी आपका किसके अंदर आएगा, जॉब वर्क के अंदर आएगा। तो बेसिकली जॉब कॉस्टिंग वो एंटिटीज या उन ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है जहां पर कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। और एक बात और बोल सकता हूं, ईच जॉब, हर जॉब दूसरे जॉब से क्या होगा, अलग होगा। जॉब कॉस्ट शीट, जॉब कॉस्ट शीट विल बी प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच जॉब। ये लीजिए, एक जॉब कॉस्ट शीट बनाऊंगा, इस पर्टिकुलर जॉब में जो मटेरियल लगेगा, इस पर्टिकुलर जॉब में जो लेबर लगेगी, इस पर्टिकुलर जॉब में जो स्पेसिफिक एक्सपेंसेस लगेंगे,
जब ऐसी एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर करूंगा उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो उसे क्या बोला जाएगा? जॉब कॉस्ट शीट बोला जाएगा। चलिएगा, क्लियर? बिल्कुल। सेकंड पर आते हैं, यानी मेथड ऑफ कॉस्टिंग का सेकंड पॉइंट लिखें, बैच कॉस्टिंग। जो सेकंड हम बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज बैच कॉस्टिंग। आइएगा बैच कॉस्टिंग। अब ये बैच कॉस्टिंग क्या होती है? बैच कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल where units oblique output are produced in lots oblique batches। बैच कॉस्टिंग उन इंडस्ट्री या उन ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होता है जहां पर जो यूनिट्स हैं या जो आउटपुट है वो एक लॉट में या बैचेस में प्रोड्यूस किया जाता है। सेपरेट कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच बैच सेपरेट कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच बैच by assigning a batch number हर बैच के लिए एक सेपरेट कॉस्ट शीट बनाई जाती है और हर उस बैच को एक सेपरेट नंबर से क्या किया जाता है, रिफ्लेक्ट किया जाता है कि जैसे हम बोले बैच नंबर 100 बन गया, बैच नंबर 101 है, इस तरह से किया जाता है। लिखें कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज डिटरमिन By dividing the सर, हाँ जी सर ये जो आपने सेकंड पॉइंट समझाया ना, हाँ तो सर जैसे इसमें आपने उसका ब्रिक्स का दिया था ना एग्जांपल, हाँ तो सर इसमें अगर हम जैसे सेम ग्रेड की बना रहे हैं बार बार, मतलब बैचेस में हम बना रहे हैं ब्रिक्स, तो सर उसकी कॉस्टिंग हम बार बार अलग अलग क्यों करें? मतलब एक बैच की जो कॉस्ट है वही सबकी आएगी ना? नहीं, मतलब नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब बैच वाइज कॉस्ट भी तो चेंज हो सकती है। एक बैच को प्रिपेयर करने में जो टाइम लगा उसकी वजह से कुछ कॉस्ट चेंज हो गई, मे बी पॉसिबल। मटेरियल महंगा हो गया, लेबर महंगी हो गई, आप ये कैसे कह सकते हो कि सेम ही कॉस्ट लगती रहेगी हर तरह में? फिर तो कभी भी हमें कॉस्ट शीट बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप सोच के देखो, मान लो आप मोबाइल बना रहे हो, तो क्या मोबाइल आज से 15 साल पहले और आज बराबर की कीमत पर बन रहे होंगे क्या?
नो सर। बन तो सेम ही मोबाइल रहा है हाँ तो, बट अलग अलग हो गए ना, क्योंकि टाइम पीरियड के निकलने की वजह से भी तो कॉस्ट में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो इसलिए आप जिस समय पर जो बैच बना रहे हो, आप उस बैच को एक डिफरेंट नंबर से असाइन करोगे, ताकि आपको ये पता लग पाए कि इस पर्टिकुलर लॉट में जो प्रोडक्ट बना उसकी कॉस्ट क्या आई आपकी। मे बी पॉसिबल जब आपने अगला लॉट सेम प्रोडक्ट का बनाया तो कॉस्ट चेंज हो गई, कम भी हो सकती है कॉस्ट और ज्यादा भी हो सकती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बात करता हूं तो आजकल डे बाय डे कॉस्ट कम होती जा रही है ड्यू टू द कंपटीशन, ड्यू टू द न्यू टेक्नोलॉजी, तो कॉस्ट कम हो जाती है। कई ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिनमें कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमिन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ अ बैच बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स By the number of units of the batch। अब अगर मुझे सिंपली कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो उस बैच को पूरा करने में जो टोटल कॉस्ट लगी उसको डिवाइड कर दूंगा जितनी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बनकर तैयार हुई हैं। This costing is used generally for consumer goods। Generally for consumer goods। Such as TV, ready-made garments। Air conditioners, brakes, toy making, ठीक है, और भी कई हैं जहां पर क्या होगा आपका बैच कॉस्टिंग लगेगा। यानी आपको सिंपली ये सोचना है कि ऐसे प्रोडक्ट जिनको हमें क्या करना है, एक लॉट में ही बनाना है, वो हर यूनिट वाइज नहीं बनाया जाता, एक लॉट या एक पर्टिकुलर बैच में बनाया जाएगा, तो वहां पर हम कॉस्टिंग का जो मेथड काम में लेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज बैच कॉस्टिंग। आइए पॉइंट नंबर थ्री, यानी थर्ड मेथड, प्रोसेस कॉस्टिंग। लिखें दिस कॉस्टिंग मेथड रेफर्स
हाँ जी लिखें, दिस मेथड ऑफ दिस कॉस्टिंग मेथड रेफर्स कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑपरेशन और कंटिन्यूअस प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी ये कॉस्टिंग मेथड वहां रेफर किया जाता है जहां जो ऑपरेशन है वो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस में चलता है। लिखें, प्रोसेस कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल वेयर प्रोसेस कॉस्टिंग इज वेयर गुड्स और सर्विसेस पास थ्रू डिफरेंट प्रोसेस different process to be converted into finished goods to be converted लीजिए, यानी ये उन गुड्स एंड सर्विसेज पर अप्लाई होगा जिन्हें अपने फिनिश्ड स्टेज पर पहुंचने के लिए कई सारी स्टेजेस से या कई सारे डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सीमेंट इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री टेक्सटाइल केमिकल केमिकल इंडस्ट्रीज सोप इंडस्ट्री ऑयल रिफाइनिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके जहां पर आप मेनली क्या यूज करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग को आप यूज करेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लें, वी हैव टू प्रिपेयर सेपरेट प्रोसेस अकाउंट We have to prepare separate
प्रोसेस अकाउंट फॉर ईच स्टेज टू फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोसेस. ये लीजिए, मान लीजिए चार स्टेजेस में एक प्रोडक्ट फाइनल स्टेज पर पहुंचता है तो मुझे चार बार प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा ताकि मैं हर पर्टिकुलर प्रोसेस की या हर पर्टिकुलर स्टेज की कॉस्ट पर यूनिट को क्या कर सकूं, फाइंड आउट कर सकूं. आइए मेथड नंबर फोर, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग. लीजिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग. लेकिन दिस दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग This method of costing is used to work out. This method of costing is used to work out cost per unit of service. देखिए जितनी भी तरह के सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए जो कॉस्टिंग मेथड काम में लेते हैं उसे हम बोलते हैं सर्विस कॉस्टिंग. हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, स्कूल्स, होटल्स, कॉलेज, वर्कआउट का मतलब होता है ढूंढना. ये अलग अलग है, वर्कआउट अलग है और कॉस्ट अलग है. वर्कआउट क्या करवाता है ये मेथड, जहां पर हमें वर्कआउट करना हो सर्विस की कॉस्ट पर यूनिट को, हम वहां पर क्या करेंगे, इसको काम में लेंगे. क्लब्स, ठीक है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कैंटीन, यहां पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, तो इनकी कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम जो काम में लेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग. नेक्स्ट फिफ्थ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग.
आइए नेक्स्ट है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। दिस मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो है वो जनरली कंस्ट्रक्शन वर्क की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए लिया जाता है। जैसे ब्रिज बनाना, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना, सर थोड़ा सा स्क्रॉल करना, एक मिनट, हाईवेज बनाना, ये लो और ऊपर नहीं सर बस। सर स्क्रॉल डाउन कर, हो गया सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट। यानी हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट की सेपरेट सेपरेट अगर कॉस्ट को मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा। नंबर सिक्स मल्टीपल कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग means costing means combination of two or more methods of costing. लीजिए, दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेथड ऑफ कॉस्टिंग्स। यानी जहां पर एक ही पर्टिकुलर इंडस्ट्री में
आपके पास दो या दो से ज्यादा मेथड ऑफ कॉस्टिंग लगते हैं तो उसे मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड कहा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जनरली ये जो कॉस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो कॉस्टिंग है ये ऐसी जगहों पर लगती है जहां पर आप उस प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बनाते हो या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनाते हो एंड देन हर उस मैन्युफैक्चर्ड पार्ट को फिर क्या कर दिया जाता है, जोड़कर एक कंबाइंड प्रोडक्ट बनाया जाता है। लिसन केयरफुली अगेन, मल्टीपल कॉस्टिंग ऐसी जगहों पर यूज होता है जहां पर आप एक कंप्लीटेड प्रोडक्ट को कई पार्ट्स में बनाते हो एंड देन उसके बाद आप उन सभी पार्ट्स को मिलाकर क्या करते हो, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना देते हो। जैसे एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट कभी भी एयरक्राफ्ट नहीं होता है डायरेक्ट। बेसिकली आप क्या करते हो, उस एयरक्राफ्ट के अलग अलग सब सेक्शंस पर अलग अलग कॉस्टिंग मेथड लगाकर उनकी कॉस्ट निकालते हो एंड आफ्टर दैट उनको क्या कर दिया जाता है, कंबाइंड कर दिया जाता है। तो अब यहां पर आपने कई सारे पार्ट या सेक्शन को कंबाइंड करने की वजह से ये कॉस्टिंग मल्टीपल कॉस्टिंग का रूप ले लेती है। यानी सबसे पहले आपको उसके हर पार्ट की या उसके हर सब सेक्शन की कॉस्ट को ढूंढना पड़ता है, देन उसके बाद आप क्या करोगे, उनको जब जोड़ दोगे तो आपका एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे मोटर कार हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए, ठीक है, एयरक्राफ्ट्स हो गए, ये सब वो इंडस्ट्री हैं जहां पर मल्टीपल कॉस्टिंग लगती है। यानी प्रोडक्ट तो एक बन रहा है लेकिन इस एक प्रोडक्ट को बनाते समय कई बार आपको काम करना पड़ रहा होगा। जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे बाइसिकल, कोई भी आपकी कोई भी व्हीकल हो गया आपका, वहां लगेगा, एयरक्राफ्ट हो गया वहां लगेगा, लिखें इसमें ये लाइन, अंडर दिस मेथड ये जो लग्जूरियस लग्जूरियस कार होती है जैसे ऑडी और ये सब, हाँ, वो भी तो एक ही तरफ बनती है ना, मतलब एक ही फैक्ट्री में पहले उनके पार्ट्स बनते हैं और फिर बाद में जाके उनको पूरा इंस्टॉलेशन होता है। तो मोटर कार तो आई गया ना, तो मोटर कार चाहे लग्जरी बने चाहे मारुति 800 बने, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, पार्ट तो अलग अलग ही बनेंगे ना, कार डायरेक्टली तो बनी नहीं सकती। हाँ, कार के पार्ट ही बनते हैं और उसके बाद उनको असेंबल कर दिया जाता है तो वो कार बन जाती है। अब चाहे वो BMW को असेंबल करो या मारुति को करो, तो कार इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली इसमें आ गई। पर सर कुछ कंपनियां क्या करती हैं, जैसे ये पार्ट्स होते हैं ये भी तो खरीद ही लेती ना, बने बनाए भी तो खरीदती हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बने बनाए खरीदोगे तो भी कॉस्ट तो डिफरेंट आएगी ना उस पार्ट की। हाँ, आप तो केवल असेंबल कर रहे हो ना। आप भाई अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे वो सब टाइप ऑफ कॉस्टिंग थी। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सबसे पहले कॉस्ट ढूंढोगे हर पार्ट की। अब अगर आप उन पार्ट को परचेस करके लाए हो तो परचेस कॉस्ट आएगी, खुद बना रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, फिर उन सबको जब टोटल कर दोगे तो आपके पास एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी। अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस और पार्ट्स आर कंबाइंड
कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. कार इंडस्ट्री हो गया, एयरक्राफ्ट हो गए, ठीक है. और हम इसमें ट्रैक्टर्स हो गए, बाइसिकल हो गई, मोटर बाइक हो गई, मतलब कई तरह की ऐसी चीजें हैं जहां पर ये कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग यूज होती है. ठीक है, मल्टीपल कॉस्टिंग का बेसिक मतलब सिर्फ इतना सही है, जहां पर हम पार्ट्स को अलग अलग लाते हैं और फिर उन डिफरेंट सेक्शन और पार्ट की कॉस्ट को ढूंढने के बाद हम उसके फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालते हैं. तो इसलिए उसे मल्टीपल, क्यों? क्योंकि हो सकता है इसमें एक ऐसा पार्ट यूज हो रहा हो जहां पर बैच कॉस्टिंग लग रही हो सकता है इसमें एक ऐसा पार्ट यूज हो रहा हो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लग रही हो या जॉब वर्क, तो जॉब कॉस्टिंग लग रही हो. समझ रहे बात को? तो कई तरह की कॉस्टिंग को मिलाकर के वो पार्ट बनते हैं, इसीलिए इस प्रकार की कॉस्टिंग को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल कॉस्टिंग बोलते हैं. अब एक और टाइप, दो टाइप और बचे हैं, एक दो चीजें और डिस्कस करनी है. लेकिन अब आपके स्टडी मटेरियल में इसका जो नेक्स्ट पेज है वहां पर कई सारे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं. क्वेश्चन इन द सेंस इंडस्ट्री का नाम दिया हुआ है और उसके आगे उसकी कॉस्टिंग मेथड लिखा है. अब आप उनको एक बार पढ़ के देखिएगा, कल हम उसी पूरे पार्ट को डिस्कस करेंगे. इसका पक्का पक्का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 100% आने वाला टॉपिक है ये. एक या दो क्वेश्चन 100% आएंगे जिसमें आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे दिया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ इस प्रोडक्ट में इनमें से कौन सी कॉस्टिंग मेथड यूज होता है. तो कल हम अब इसके क्वेश्चंस करेंगे.